कल्पित कुमार सिंह, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज इन BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 बैच। Hi guys, my name is Sakshi Goswami. I did my graduation from ARSD College, Delhi University. Step by step शुरू करते हैं। Admission process से शुरू करते हैं। क्या रहता है? Admission Delhi University में हो जाता है। Specifically college की अगर मैं बात करूँ तो merit entrance easy है और एक sports का रहता है, तो उसके basis पर आपका admission हो जाता है। क्या रहता है कि 12th के बेसिस पर आपको मेरिट निकलती है कि 12th में 97% या 96% हाई मेरिट जाती है। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हो, आप एडमिशन के लिए फिर एडमिशन ले लेते हो आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या रहता है, एंट्रेंस में क्या रहता है, कोर्स वाइज एंट्रेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ऑनर्स में आपको लेना है एडमिशन, तो उसका एंट्रेंस होगा डिपेंडिंग ऑन नॉलेज ऑन द 12th बेसिस। सो फिर आपका डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सीट्स अवेलेबल, उसके हिसाब से आपका फिर एडमिशन हो जाता है। उसमें मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें आपका नाम होता है, तो आपका एडमिशन होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द ECE एंड स्पोर्ट्स, आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके। सो फिर आपके ट्रायल्स रहते हैं स्पोर्ट्स का है तो, और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में है तो आपका ऑडिशन रहता है, डांस, सिंगिंग एट्सेट्रा। सो आई डिड BCom फ्रॉम ASD कॉलेज, सो आई विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स डिपार्टमेंट। So the commerce department of our college was very good. Like the commerce faculty was very nice. The teachers were very good. They were listening to every doubts very carefully. They were very patient and they were very helpful overall. Like we used to go for any issue apart from the classes, for any doubts, they used to clear it very patiently. And also for assignments and for the attendance issues, they used to handle it very well. So I would say the faculty was very great. Like I used to take part in extracurricular activities of my college, so at times there used to be attendance issues and assignment issues, so teachers were understanding, they were helpful, they used to tell me what to do next, like they used to understanding and they used to help me out in the situation, so I would say the teachers were very good. Faculty ki agar main baat karun, college ki faculty, main science background ka tha, meri faculty to achhi thi, ठीक है। बाकी अगर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं आर्ट्स के डिपार्टमेंट में थे, वो भी अच्छे हैं, बढ़िया फैकल्टी है, ऐसा कुछ दिक्कत होती नहीं है टीचर्स की साइड से, स्टूडेंट्स की साइड से, या इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कुछ रिसोर्सेज के हिसाब से कोई दिक्कत होती नहीं है। एंड रिलेटिवली अगर बात करना है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए कॉलेज जाना जाता है साउथ कैंपस का, ARSD कॉलेज नंबर वन कॉलेज है साउथ कैंपस में। एंड सो क्योंकि जब मैं भी एडमिशन लेने आया था तो मेरे जो नोन थे, मैंने बताया कि ARSD में हो गया, तो वो भी जो पास आउट थे तो वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से थे और वो बहुत अच्छा कॉलेज था और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज ऑफ आवर कॉलेज, आई माइसेल्फ हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द कॉलेज व्हिच इज रंगायन, द स्ट्रीट प्ले ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ द कॉलेज। एंड ऑल्सो देर आर वेरियस अदर सोसाइटीज व्हिच इज फैशन सोसाइटीज देर, एन एक्टर्स डिबेटिंग सोसाइटीज देर, एंड डांस सोसाइटीज देर व्हिच इज फॉर क्लासिकल एज वेल एज वेस्टर्न, द म्यूजिक सोसाइटीज देर व्हिच इज अगेन फॉर क्लासिकल एंड वेस्टर्न। You can check all the information related to the societies on the website of the college. Placement की अगर बात करें भाई, हो जाता है भाई placement। 2020 में जब मेरा time था, 2019-20 वाला session था, 2019-20 में बहुत companies आई थी। मतलब उससे पहले जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना, तब भी थोड़ा बहुत पता चलता है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, वेबसाइट्स रहती हैं, इतना नहीं था यार। लेकिन 2019-20 से जो ग्रोथ हुई है ना, बहुत सही, हर फील्ड के लिए कंपनीज आ रही हैं, बिग फोर से कंपनीज आ रही हैं, KPMG वगैरह। सो प्लेसमेंट तो बहुत ही बढ़िया है। इवन एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, वो फाइनेंस में चला गया, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड बस बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट तो कॉलेज से ही आया ना, फिर अब कॉलेज वाले फिर प्लेसमेंट आके ले जाते हैं। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मज़े भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, प्लेसमेंट्स में बैठोगे, हो जाता है। Now talking about the infrastructure of the college, there are two buildings. One is a common building for all the courses like humanities, science and commerce, and other one is a commerce department where all the classes of the commerce courses used to happen there. Also in the common building, principal's office, staff room, accounts office and all of the things were there. The girls' common room was there, boys' common room was there. So the common building is a two-floored building. The first floor and the second floor, all the classes used to happen. And on the first floor, there was a seminar room where all the seminars of the societies and college used to happen there only. And on the second floor of the common building, there was an auditorium which was under construction when I was in college. Also, the canteen was there in the common building.
and the tennis court was there in the common building. So all of that was in the common building. The commerce department was a small compact only for the commerce students. Now talking about the elections. देखो भाई, आप एडमिशन लेना होगे और जब तक इलेक्शन होंगे उस टाइम तक आपको बहुत भीड़ दिखेगी. इलेक्शन के लोग दिखेंगे, कंटेस्टेंट्स दिखेंगे, बॉयज़ गर्ल्स दोनों दिखेंगे. मेनली वाइट ड्रेसअप में रहते हैं वो इलेक्शंस के लिए. सो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. आप एडमिशन के लिए जाओगे, आपका मतलब खुद ही से देख लेंगे कि आपका कितना परसेंटेज है, क्या रहा है. सो उसमें फिर वो निकाल देते हैं और मतलब इवन आपके साथ तक जाते हैं ऑफिस तक और एडमिशन करा देते हैं एंड काफ़ी साथ देते हैं. और इलेक्शंस के बाद फिर आप उनको अप्रोच भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनने में इशू आ रहा है या कैंटीन प्रॉपर नहीं है, तो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना कंसर्न्ड नहीं रहता है जिसके बारे में. सो ये स्टूडेंट यूनियन आपकी हेल्प कर देता है. सो एंड इलेक्शंस, हाँ ये तो कॉलेज लेवल पर हुआ, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन बनती है, डूसू कहते हैं पॉपुलरली. एंड उसमें क्या रहता है, उसके भी कैंडिडेट्स आपके कॉलेज में आते हैं, हर कॉलेज में जाते हैं और कैंडिडेट्स जाते हैं. तो फिर आप उनको भी वोट देते हो. आपके कॉलेज में वोट होता है, एक स्टूडेंट यूनियन जो कॉलेज की है और एक दूसरा जो यूनिवर्सिटी लेवल की है. टॉकिंग अबाउट द कैंटीन ऑफ द कॉलेज, द कैंटीन वाज प्रीटी गुड. इट वाज वेल स्पेशियस, लाइक देयर वाज आउटडोर सिटिंग एज वेल एज इनडोर सिटिंग. ऑल्सो देयर इज सत्यनिकेतन विच इज वेरी क्लोज टू द कॉलेज, अराउंड 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, विच इज वेरी फेमस फॉर द कॉलेज क्राउड एंड ऑल द कैफेज. यू चिल एट द सत्यनिकेतन कैफेज अ लॉट आफ्टर आवर लेक्चर्स ऑफ द कॉलेज. And it is a very great place, I would say, like very budget friendly also, since we are all are college going students. So you can also check that out. बहुत eager होते हैं 12th के बाद आने, college जाएंगे, freshers party करेंगे. ठीक है, freshers party farewell होती है और एक fest होता है. ठीक है, freshers party और farewell में officially और unofficially दोनों होता है. Officially जो college conduct कराता है and unofficially जो बच्चे आपस में contrary करके किसी club वगैरह में चले जाते हैं. सो दोनों में जाना होता है, मज़ा आता है. ठीक है, और क्या रहता है, हमारे टाइम पर तो फ्रेशर्स में भी इवन स्टार नाइट हो गई थी. स्टूडेंट यूनिट इतनी एक्टिव थी कि उन्होंने फ्रेशर्स में भी स्टार बुला लिए थे. क्या रहता है, जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर्स को वेलकम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेशर्स पार्टी कि आप कॉलेज में आए, हमारे साथ मज़े करिए. अब हम 3 साल की जो लेयर है ये अब काम करेगी कॉलेज में. ठीक है, मज़ा रहता है फ्रेशर्स पार्टी में, बहुत मज़ा रहता है. डांस वांस रहता है, आपने देखी होंगी वीडियोज़ अगर आप ड्यू में आना चाहते हो तो. इतना सब आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. एक तो हमारे कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात है कि 2 फेस्ट होते हैं. हाँ, एक स्पेशली अलग फेस्ट होता है, थिएटर का फेस्ट होता है, रंगशीर्ष जयदेव थिएटर फेस्टिवल, एंड इसके बारे में आपको पता चल जाएगा. एंड जो दूसरा फेस्ट है वो एनुअल फेस्ट रहता है नॉर्मल, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 2 या 3 दिन तक चलता है. एंड द लास्ट डे जो होता है, लास्ट डे, उसमें लास्ट नाइट को स्टार नाइट होती है. फॉर एग्जांपल अखिल सचदेवा, सुखी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स आते हैं. सो बढ़िया रहता है, बाकी कॉलेज से इंटरेक्शन भी आपका हो जाता है अगर आप वॉलंटियर करते हो उसमें. तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होस्ट कराने होते हैं तो आप वॉलंटियर उसमें भी कर सकते हो, बहुत मज़ा रहता है. कॉलेज में ये मज़ा यार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रहो और वॉलंटियर करो, अपने आप को अलग अलग लोगों से कनेक्ट करो और मज़ा आ जाता है. Now talking about how to commute to the college. So there is a metro station which is around walking distance of 2 minutes. That is Durgabai Deshmukh South Campus. And also there is a bus stop right beside our college. So you can check that out. So guys, thank you. That was it from my side. I hope you liked the video and I hope that it was helpful for you.